अच्छा, वो एक चील बैठी हुई है दीवार पर, काफी उदास लग रही है वो बैठी हुई है। ठीक है, कैसे बैठी हुई है? लग रहा है ऐसे, लग रहा है ऐसे उसका कोई खो गया होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जैसे कि आपको पता है, पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज भी इतनी ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि आज थोड़ा इस काबिल हो गया हूँ कि थोड़ा बहुत उठ सकूँ। तो जो मेरा बुखार है वो तो 100 से, मेरा टेम्परेचर 100 से नीचे आ ही नहीं रहा। 102, 101, 103 यहीं पर है। तो इसलिए मैं कल कोई वीडियो नहीं अपलोड कर सका, मेरे से तो आया ही नहीं गया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने रैबिट का जो है वो घर बनाना शुरू किया था, लेकिन वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। वो देखें, हम कुछ भी नहीं कर पाए, ये सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा है, बन ही नहीं पाया। तो आज मैंने सोचा मैं ज़रा ऊपर आऊँ। आज मैं वैसे दिन के टाइम भी ऊपर आया था, इनको मैंने खोला था, धूप लेने के लिए आया था, तो मैंने इनको भी खोल दिया था। इनको खोला, खोलने के बाद इनको देखा, इनकी यहाँ पर पार्टीशन पे या यहाँ पर थे ना, वो जंगला था, वो मैंने उतार दिया है। क्योंकि माशाल्लाह से मैंने कहा ये सारे के सारे बड़े हो गए हैं, अब ये एक साथ ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हैं हमारे, ये हैं शिराजी। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जी हमारे जो ये पेयर था ना, इनमें वो देखें, इनके बच्चे निकल आए, इनके अंडों में से दोनों बच्चे निकल आए हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखना है, इसके इनके माशाल्लाह से दोनों बच्चे ही निकल आए हैं, इनके अंडों में से दोनों बच्चे निकल आए हैं, ये देख। ठीक है, अभी कहाँ हैं, दोनों बाहर आ गए। ये हमारे शिराजी हैं, ठीक है, अभी तक तो इन्होंने कोई अंडे वगैरह नहीं दिए। बाकी ये सारा, ये इसको सारा ही ओपन कर दिया यहाँ से मैंने। ठीक है, अभी इनकी मर्जी, जहाँ मर्जी। तो ये आपने देख लिए, बाहर नहीं आना, अंदर चलो ना। ये सारे के सारे माशाल्लाह से खाते हैं। और एक और बात है यार, कि मुझे घर वालों ने बताया ही नहीं, ये इनका यार दाना ख़त्म हो चुका हुआ है। तो अब मैंने यूँ किया है कि यहाँ से थोड़ी सी गंदुम लेकर, तो यार मैंने इनको गंदुम डाली है, अब कुछ और था ही डालने के लिए। अब मैं मंगवाता हूँ बच्चों से, इनके लिए दाना मंगवाता हूँ, इनको मैं दाना डालता हूँ, और उधर चलते हैं। रैबिट का खाना भी यार तैयार है, रैबिट के लिए ये गाजरे हैं, रैबिट को भी खाना डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी आपको पता ही, सारे के सारे। चलो उधर हो जाओ, ये लो दाना खा लो, इनको भी डाल दिए। ठीक है, एक्चुअली मुझे इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है, मैं सोच रहा हूँ कैसे टाइम हो। ठीक है, हमारे बजीज भी आप देख लें, ये है, ये यहाँ पर है। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी टेंशन लगी हुई है कि मैंने इनको खोला हुआ है ना, मतलब सारा काम बिखरा पड़ा है यहाँ पर, समझ में ही नहीं आ रहा। अब तबीयत जैसे ही ठीक होगी इंशाल्लाह, फिर दोबारा इनका घर जो है ना वो सेट करेंगे। ये देखिए, अच्छा ये खुले हो गए हैं ना यहाँ से, तो अब ये हो सकता है कि मैं इनके लिए ना, इनकी जो किनाली थी वो वहाँ पर कॉर्नर पर फिर से सेट कर दूँगा। हो सकता है यार ये फिर से अंडे दे देते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा और मांग रहे हैं, थोड़ा सा और यहाँ से मैं निकाल देता हूँ इनको, थोड़ा सा और निकाल कर मैं डाल देता हूँ। अच्छा, ये गंदुम, चावल, बाजरा सादा, ये सब चीज़ें खा लेते हैं। जो इनका मिक्स बाजरा होता है उससे में भी तकरीबन यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, सुबह तो सारे ही बाहर आए हुए थे, जब मैं धूप लेने आया ना, तो मैंने इनको खोल दिया कि चलें ये भी धूप ले लेंगे, तो सारे ही बाहर आए हुए थे, सभी धूप ले रहे थे। तभी मैंने देखा था कि यहाँ पर था, इनके अंडों में से जो है वो बच्चे निकले हुए थे, दोनों के दोनों ही। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कैंटीन की थी ना, उनमें दोनों बच्चे ही थे माशाल्लाह से, अब दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों में से निकल आए। ठीक है, अब ये देखिए ना, अब ये चारों जो हैं, अब माशाल्लाह से ये चारों ही खाना खाते हैं। वो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं, तो वो भी अब खुद से खाते हैं, तो इसलिए इनको ज़रा ज़्यादा खाना डालना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो जी इसके साथ ही हम आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए कि मैं जल्द अज ठीक हो जाऊं, और फिर से आपके लिए जैसे पहले वीडियोस बनाता था बनाऊं, और अपना जो रैबिट का घर है जो अधूरा रहता है उसको भी मैं कंप्लीट करूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी।
नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।